Welcome everyone. We are the team of Devakar Education Hub. We are providing UGC NEET Environmental Science Computer Study Note courses. Myself Rahul Kumar, and I am going to teach you UGC NEET Environmental Science. The unit number 6. इस यूनिट से 6 से 7 क्वेश्चन हर एक ईयर में आ चुके हैं. तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? तो पहला पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है क्राइटेरिया पोल्यूटेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट, पार्टिकुलेट मैटर, एसी रेन, एटमोस्फेयर स्टेबिलिटी, प्लूम बिहेवियर. तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि एयर और एयर पोल्यूशन होता क्या है. तो नॉर्मल जो एयर होता है उस एयर में अनडिजायरेबल चेंजिंग होती है. तो वो अनडिजायरेबल चेंजिंग होती क्या है? वो होती है पोल्यूटेंट. वो क्या पोल्यूटेंट होते हैं? तो लाइक कोई भी सॉलिड, लिक्विड और गैसीय सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइज भी, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में उनकी कंसेंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है. तो वो होता है क्या कि इंजूरियस होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग क्रिएचर लाइक अ प्लांट और प्रॉपर्टी, जो भी आपके प्रॉपर्टी है हमारे, और इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ते हैं. और यूजीसी नीट में, इन्वायरमेंट साइंस के यूजीसी नीट में और बहुत सारे कंप्यूटर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में आया. ये डेट जो है आपका, ये ईयर जो है 1981, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं. सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं कि एटमोसफेयर कंसेंट्रेशन हमारे एटमोसफेयर में दो ढंग के होते हैं. एक होते हैं मेन गैसेज, एक होते हैं अदर गैसेज. जो मेन गैसेज होते हैं वो फिक्स अमाउंट में गैसेज होते हैं, लाइक नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए और आर्गन हो गए. इनकी कंसेंट्रेशन ऑल ओवर दी आपके जो वर्ल्ड है ये सेम होते हैं, लाइक 78% और 21% अप्रोक्स 21% आर्गन जो 93%. और जो अदर गैसेज लाइक वेरिएबल गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया हमारा, ओजोन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, और बहुत सारे गैसेज हैं. तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं कि क्राइटेरिया पोल्यूशन होता है क्या. आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े मेट्रोपोलिटन सिटी में जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वहाँ पर आपको एक बोर्ड होता है जहाँ पर आपको जो भी क्राइटेरिया पोल्यूशन, जो 6 क्राइटेरिया पोल्यूशन होते हैं, शहरों में 7 होते हैं. तो वो एक्चुअली क्राइटेरिया पोल्यूशन होता क्या है आपके, क्योंकि ये जो एक स्टैंडर्ड आपका है नेशनल एम्बियंट, ये जो आपका नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के बेस पे ये 6 क्राइटेरिया पोल्यूशन को यहाँ मेजर किया जाता है. तो वो होता है क्या क्राइटेरिया पोल्यूशन? तो होता है क्या कि फ्रॉम एटमोस्फेरिक केमिस्ट्री, जो हमारे एटमोस्फेयर में जो भी रिएक्शन हैपनिंग होता है, स्पेशली जो रिएक्शन होता है हमारे ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, और उस रिएक्शन के होने से हमारे ह्यूमन हेल्थ पे, प्लांट के हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसी को क्राइटेरिया पोल्यूशन एक्जेक्टली बोला जाता है. तो 6 क्राइटेरिया पोल्यूशन लाइक द PM2.5, PM10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इसके यूनिट्स होते हैं, लीड के माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट्स होते हैं, ओजोन हो गए हमारे, नॉक्स हो गए, सॉक्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड के यूनिट्स होते हैं माइक्रोग्राम होते हैं, नॉट ये मिलीग्राम होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, नॉट माइक्रोग्राम होते हैं आपके. नोट करने वाली बात है कि जो ये तो रूरल एरिया या फिर आपकी मेजोरिटी जो मेट्रोपोलिटन सिटी ना हो उनके लिए क्राइटेरिया पोल्यूशन है, लेकिन जो मेट्रोपोलिटन सिटी है आज के दिन क्या हो कि वो अमोनिया भी इंक्लूड कर दें, क्योंकि जो मेनी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है हमारे मेगा सिटी में हो रहे हैं, ठीक है, मेट्रोपोलिटन सिटी में हो रहे हैं, इस कारण से वो भी आज के दिन में क्राइटेरिया पोल्यूशन में एड हो चुके हैं. फर्दरली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्योंकि जो ये एयर पोल्यूशन है इनके एक स्टैंडर्ड फिट किया गया है कि इसके स्टैंडर्ड से अगर ज़्यादा होता है तो वो हमारे ह्यूमन और प्लांट और हमारे जो प्रॉपर्टी उन पे ज़्यादा इंपैक्ट करता है. लाइक सल्फर डाइऑक्साइड हमारे, जो नॉर्मली अगर सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर होते हैं तो आपके एसीडेंट का कॉजेज होता है, जो हमारे जो ताजमहल का जो जो मार्बल है उसका जो ड्राइनेस होना, ठीक है, वो भी आपका वो क्यों हुआ, क्योंकि उनका जो नॉर्मल परसेंटेज था, कंसेंट्रेशन था, उसका ज़्यादा होना. लाइक आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया रेसिडेंशियल एरिया में, रूरल और अदर एरिया में आपका 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए नॉर्मल, उससे ज़्यादा होता है तो वो उस एरिया के लिए वो हाईली इम्पैक्ट होता है आपका. 24 आवर्स में 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में, जिसको नोटिफाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो आपका 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब. इसका जो मेथड होता है मेजर करने के लिए ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ये जून 2013 और 19 में आ चुके हैं सल्फर डाइऑक्साइड के क्वेश्चन. मिली क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर 2019 में इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन की जो सल्फर डाइऑक्साइड का वो कितना होता है आपका, 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होता है. इसको मेजर करते हैं इंफीरियर वेट एंड
गेज मेथड से और अल्ट्रा वायलेट फ्लोरेसेंस से, ये मैदा पोलन क्वेश्चन आ चुके हैं। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये अगस्त 2016 पेपर थर्ड और जुलाई जून 2019 में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। एनुअल आपका हो गया कम्प्लीट 1 ईयर का ये एवरेज निकाला जाता है। इंडस्ट्रियल में आपका 40 है और 80 है 24 आवर्स के लिए, और इकोलॉजिकल 30 और 80 है आपके यहाँ पर। पार्टिकुलर मैटर PM10 जो साइज होती है पार्टिकल्स की, वो साइज होती है आपकी, वो हम फर्दरली आगे जो लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। हम आगे लाइक वन बाई वन पढ़ेंगे, जो जितने भी क्राइटेरिया प्रोडक्ट हैं हमारे सातों क्राइटेरिया प्रोडक्ट को वन बाई वन उसके डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग अपकमिंग लेक्चर में। लाइक एनुअल आपका हो गया एवरेज 60 और 60 आपका इंडस्ट्रियल और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में, 24 आपके लिए 100 और 100, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ही आया है आपको, 2020 में सितंबर में क्वेश्चन आ चुका है ये। फिर पार्टिकुलर 2.5 के लिए आपका एनुअल एवरेज होता है 40, और इसमें ये आपका जो पार्टिकुलर PM10 PM5 के लिए इकोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल जोन के लिए ये सेम होता है, तो ये ईजी है याद करना। ये फ्रीक्वेंटली बेस में क्वेश्चन ये आते हैं। लीड हो गया आपका 0.5 पाइक्रोमीटर क्यूब, और 1 होते हैं आपके कार्बन के लिए 80 होते हैं, तो ये आपका ड्यूरेशन हो गया आपका। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। फर्दरली नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग क्राइटेरिया पोलिटेंट के जो फर्स्ट 1 बाई 1 हर एक क्राइटेरिया पोलिटेंट को हम लेंगे। हैव अ नाइस डे।